News 18, India. डिग्री बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, आपको यहां पर पोजीशनिंग दिखा रहे हैं एसएसबी के तमाम जवान जो आपको नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से मुस्तैद, पूरी तरीके से तैयार अपने गियर्स के साथ, और साथ ही साथ यहां सीआरपी की भी मूवमेंट की गई है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप सीआरपी देख रहे हैं, एक तरफ आप एसएसबी के जवान तमाम देख रहे हैं जो पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर, जहाँ पर आज किसानों के कूच कार्यक्रम से किसानों के पहुँचने की बात की जा रही है। ये आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे पहुँचेंगे, ऊपर जो आपको ये पूरी जगह नजर आ रही है इसमें आप देखेंगे कि कम से कम तकरीबन 10 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास इस पर लगाए गए हैं, और जाहिर तौर पर आज भी इनका इस्तेमाल होगा क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले किसान आंदोलन में देखा था कि भीड़ अचानक आई थी और टिकरी बॉर्डर का ये पूरा रास्ता एक साल से ज़्यादा बंद रहा था, ऐसे में उस जगह से थोड़ा आगे इस बार पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आपको कंटेनर्स पीछे नज़र आ रहे हैं, ये कंटेनर्स इनमें रेता भर के, इनमें सीमेंट भर के इनको बंद कर दिया गया है और इस पूरे इलाके को बैरिकेड करने की तैयारियां की जा रही है। दिल्ली हरियाणा का ये बॉर्डर, रोहतक रोड का ये बॉर्डर जो कि सबसे कॉमन बॉर्डर्स में से माना जाता है, और ऐसे में अभी यहाँ ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन तैयारियाँ पूरी हो गई हैं कि इसको किसी भी वक्त बैरिकेड किया जा सकता है। एक्स्ट्रा बैरिकेड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं रोड रोकने के लिए, जो ब्लॉक करने के लिए अवरोधक जिन्हें बनाया जाता है उनकी, इस तरीके की लंबी लंबी ट्रोलीज भी रखी गई हैं जिनसे रास्ता ब्लॉक करने में आसानी हो। क्रेन यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सड़क के डिवाइडर में भी सीमेंट बैरिकेड्स रखे गए हैं, यानी कि कटीलों तारों वाले बैरिकेड्स के अलावा सीमेंट की बैरिकेडिंग है, और सीमेंट की कुछ बैरिकेडिंग ऐसी हैं जो तकरीबन 6-6 फुट की भी बनाई गई हैं। पिछली बार यहाँ से हमने देखा था कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो किसान थे वो बैरिकेड्स लेकर इस जगह को पार करने को आतुर थे, और ऐसे में उनको पहले ही इस बार रोकने की कोशिश की गई है। पिछले जो पॉइंट था पिछली बार, आप देखेंगे ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि पूरे कार्य जहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रही है उस पर एक नहीं दो फिलहाल जो आपको ड्रोन कैमराज नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, पूरी तैयारियां यहां पर दिल्ली पुलिस के ज़रिए की गई है कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं वो यहां पर अंदर ना घुसने पाए, और इसी वजह से हैवी फोर्सेस का, सिक्योरिटी का हैवी डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है।